हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स और आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ठीक है लेकिन ये चर्चा चालू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं कौन कौन सी चर्चा है

इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर आपको ने एक ऐसा सर्किट दिखाई देगा ऐसा एक डायग्राम दिया दे रहेगा सॉरी ऐसा एक सवाल दिया रहेगा कुछ ऐसा रहेगा यहां पर यहां पर कुछ तो भी सिग्नल वगैरह या रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया यहां रेजिस्टेंस लगा दिया और ऐसा एक सवाल आपको देखने को मिलेगा बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है ओपैम्प के ऊपर यदि कहीं पर भी आपको ये नाम लिखा हुआ मिले ओपेम्प या ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो वो सवाल छोड़ देना है क्योंकि वो अभी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है ठीक है एक ये बात क्लियर हो गई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की यदि आप बुक्स उठाओगे तो उसमें ऐसा एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा आई थिंक सो यूनिवर्सल में भी ये सवाल दिया हुआ है ऐसा कुछ तो भी सवाल है तो इसको नहीं देखना है इट इज नॉट ऑफ सिलेबस क्योंकि क्या होगा कि जब आप करने जाओगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं करना है ना कई स्टूडेंट्स या कई स्टूडेंट्स की बात नहीं है मोस्टली क्या है ना बहुत सारी बुक्स ऐसी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आ, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक ऐसा करके एक हेडिंग रही होगी तो इस वाले पोर्शन को भी नहीं करना है कहीं पर यदि आपको आपके पास में कोई स्टैंडर्ड बुक है जिसके अंदर में डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक करके दिया हुआ पोर्शन है उसको भी डू नॉट रीड पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्किप इट क्योंकि ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है ठीक है डायो ट्रांजिस्टर लॉजिक ओके okay. चलो भैया अब मैंने आपको यहां पे पहले बताया कि क्या नहीं पढ़ना है अब जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में सबसे पहले यदि मैं बात करना चाहूंगा तो वो बात करना चाहूंगा सिग्नल के ऊपर किस मैं किसके ऊपर बात करना सिग्नल क्या है ये सिग्नल सो भैया देखो जैसे अभी आप हम लोग मैं बात कर रहा हूं तो ठीक है तो जो भी इनपुट आप प्रोवाइड करते हो जो भी आप इनपुट प्रोवाइड करते हो वो होता है आपका सिग्नल जो भी इनपुट आप प्रोवाइड करते हो वो क्या है आपका सिग्नल है अब ये जो सिग्नल है जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो मेरा बोल रहा हूं मतलब क्या है एक ऑडियो सिग्नल है क्या है एक ऑडियो सिग्नल है अब बेसिकली हम लोगों को ये ऑडियो सिग्नल या इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों के लिए एक बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिग्नल के दो क्लासिफिकेशन आपके पास में आएंगे एक आएगा एनालॉग और एक आएगा डिजिटल ठीक है एक आएगा एनालॉग और एक आएगा डिजिटल एनालॉग जो सिग्नल होते हैं वो ऐसे सिग्नल होते हैं जो वेरीज कंटिन्यूसली वेर इज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है और सवाल ये है कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता है इसका मतलब यह कि इसमें कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं। लाइक इक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं तो साइनोसॉइडल जो वे फॉर्म होती हैं वो आपके कंटिन्यूअस सिग्नल हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट में पड़ते हैं मतलब कुछ इस प्रकार से यदि सिग्नल दिया हुआ है देखो इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं अनंत वैल्यूज पॉसिबल हैं जितना आप छोटा टुकड़ा करोगे उतनी छोटी आपको वैल्यू मिलती रहेगी तो ऐसा जो सिग्नल होता है वो होता है आपका एनालॉग सिग्नल जबकि हम लोग जब डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो ये डिजिटल सिग्नल में क्लियरिटी है और वो क्लियरिटी क्या है कि यहां पर आपके पास में होती है सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज ऐसा यदि कोई सिग्नल है ठीक है तो ऐसा सिग्नल आपका हो जाएगा डिजिटल सिग्नल बेसिकली हम लोग बात करें डिजिटल सिग्नल क्या है द सिग्नल्स द सिग्नल्स विच हैव विच हैव डिस्क्रीट वैल्यूज विच हैव डिस्क्रीट वैल्यूज डिस्क्रीट वैल्यूज का क्या मतलब है भैया फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज रहेंगी कितनी कैसी रहेंगी सेट ऑफ वैल्यूज अब यहां पर यदि आप देखोगे, तो क्या देखने को मिल रहा है आपको? अब क्या ये जरूरी है, इतनी ही हो कोई जरूरी नहीं है मैं चाहे जैसी वैल्यूज बना सकता हूं जैसे मान के चलो मैंने वैल्यू ले ली ऐसे 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 ठीक है और उसके बाद में मैंने इसको यहां पर खत्म किया और उसके बाद में फिर से चालू कर दिया ये ठीक है सो अगेन अ सेट ऑफ वैल्यूज फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज रहेंगी तो आपका सिग्नल कैसा रहेगा डिजिटल और जहां पर फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज नहीं है वहां पर आएगा एनालॉग तो सिग्नल के दो क्लासिफिकेशन है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल बस पढ़ना है थोड़ा सा समझना है उससे ज्यादा कुछ नहीं इस पर कोई क्वेश्चन वेस्टन पूछने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है आगे बढ़ेंगे अब हम लोगों को जो डिजिटल सिग्नल के अंदर में बात करनी है तो डिजिटल सिग्नल के अंदर में हम लोगों को जो अभी बात करनी है वो है बाइनरी सिग्नल में कौन से सिग्नल 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 क्या है कि भैया ऐसे सिग्नल विच हैव टू डिस्क्रीट वैल्यूज द सिग्नल्स मैं सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं द सिग्नल विच ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ दो डिस्क्रीट वैल्यूज रहेंगी उससे ज्यादा कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी रही सिर्फ दो वैल्यूज हैं उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसका मतलब यह है कि भैया ये जो दो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं दो डिस्क्रीट वैल्यूज इनको हम लोगों ने क्या कर दिया है कुछ क्लासीफिकाई क्लासीफाई कर दिया है कुछ इस प्रकार से कि उनकी नेमिंग कर दी है ऐसे मान के चलो कैसे कि भैया सिग्नल या तो हो सकता है हाई या हो सकता है लो में आ रही है सिग्नल क्या हो सकता है हाई या लो एक सिंपल सा काम करता हूं कि भैया पहले बाइनरी सिग्नल का आपको एक आइडिया दे देता हूं जो अभी सबसे पहले मैंने बनाया था वही आपका बाइनरी सिग्नल था सो देखो ये 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 ऐसा जो सिग्नल है ये है आपका बाइनरी सिग्नल अब देखो इसके अंदर में दो वैल्यूज हैं क्या देखो एक वैल्यू यहां पर मिल रही है एक वैल्यू यहां पर मिल रही है यस अच्छा और मैं इसी पर एक एग्जाम्पल और लेना चाहूं तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूं जैसे मान के चलो मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की देखो यहां पर ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया ठीक है देखो वैल्यूज दो ही हैं अब किसी के मन में आ रहा होगा तीन दिख रही होंगी उस बंदे को लेकिन मैं क्लियर कर दूं देखो एक वैल्यू यहां पर मिल रही है और एक वैल्यू यहां पर मिल रही है कई सोचेंगे सर यहां पर तो देखो सीधा ट्रांजिशन ट्रांजिशन जो हो रहा है वो ऊपर से सीधा नीचे आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है मतलब वैल्यू या तो यहां पर होगी या फिर यहां पर होगी इस लाइन पर इसके अलावा बीच में कहीं वैल्यू नहीं है तो ऐसे सिमिलर वे में यहां पर है और यहां पर है तो ये दो ही कुछ नामकरण किया गया है कि जिससे हम लोगों को आसानी हो समझने के लिए एक नामकरण तो मैंने ऊपर लिख दिया है क्लियरली भैया हाई एंड लो ठीक है इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं वन और जीरो या बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स ठीक है ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं इसके अलावा एक नाम और होता है ऑन एंड ऑफ ये चारों देखो यहां पर क्लियर देख लीजिए क्या क्लियर देखना है कि भैया ऑन लिखा है ट्रू लिखा है वन लिखा है या हाई लिखा है इन सबका मीनिंग क्या है एक है वैसे ही

इस लाइन को मैं लो रिप्रेजेंट कर देता हूं तो काम बन गया हाई लो हाई लो हाई लो ऐसे यहां पर देखिए वाला जो पॉइंट है एकदम सबसे ऊपर वाला पॉइंट है तो मैं इसे हाई लिख देता हूं और यह सबसे नीचे वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको लो लिख देता हूं तो हाई लो हाई लो हाई लो क्लियर है अच्छा और क्या बोल सकता हूं अब हाई है यदि मैंने एक बार हाई और लो डिफाइन कर दिया इसका मतलब है कि ये वैल्यू वन है ये वैल्यू जीरो है ये वैल्यू वन है ये वैल्यू जीरो है सिमिलरली यहां पर भी यह कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है वन है जीरो है वन है जीरो है one है एंड सो ऑन क्या यह बाइनरी सिग्नल आपको समझ में आया आया या नहीं आया बताओ एकदम आसान था अब इन बाइनरी सिग्नल्स का हम लोग जिन सर्किट में इस्तेमाल करने वाले हैं वो हैं आपके लॉजिक गेट्स क्या है लॉजिक गेट्स जो हम लोगों को यहां पर पढ़ना है जो मेन हेडिंग है आपकी वो है आपकी लॉजिक गेट्स मेन हैडिंग क्या है आपकी लॉजिक गेट्स इज द मेन हैडिंग बेसिकली लॉजिक गेट क्या है लॉजिक गेट कुछ नहीं एक छोटा सा डिजिटल सर्किट है जो इन बाइनरी सिग्नल्स के बेसिस पर ऑपरेट होता है लॉजिक गेट अब यहां पर एक बात समझिए कोई दरवाजा वरवाजा नहीं है एक छोटा सा सर्किट है जो एक पर्टिकुलर लॉजिक ऑफ सेट पर चलेगा मतलब कुछ तो भी लॉजिक होना चाहिए तभी वो ऑपरेट करेगा मतलब क्या है कुछ है आपको एक कंडीशन यहां पर डेवलप करानी होगी एक कंडीशन डेवलप होगी उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यहां पर आपका सर्किट वर्क करेगा जैसे आपने देखा होगा कि आ, जो अपनी सीढ़ियां होती हैं घर में ऊपर नीचे जाने वाली जो सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती है वही ऊपर से नीचे भी आती है भाई पता है ना हाँ तो जो सीढ़ियां घर के अंदर से जा रही होती है तो वहां पे कई बार अंधेरा अंधेरा होता है तो हम लोग क्या करते हैं एक बल्ब लगाते हैं बीचों बीच में और उसमें दो बटन कनेक्ट करवा देते हैं करवा देते कि नहीं करवा देते हैं। देखा है कभी आपका बल्ब क्या होता है चालू रहता है मैंने एक बार फिर से बोल देता हूं शायद मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ उल्टा सुलटा बोलाओ दोनों बटन यदि ऑन है बल्ब क्या रहेगा बंद रहेगा दोनों बटन ऑफ है तो भी बल्ब क्या रहेगा बंद रहेगा और दोनों में से एक भी चालू है तो बल्ब आपका जल जाता है ऐसी कंडीशन होती है। या इस कंडीशन को उल्टा भी करवा सकता है कि दोनों में से एक भी चालू रहा तो बल्ब बंद कर जाए बात समझ आ रही है? मतलब उस बल्ब को आप नीचे से भी ऑपरेट कर सकते हो ऊपर से भी ऑपरेट कर सकते हो तो सीढ़ियों पे चलते समय आपने बटन दबा दिया बल्ब चालू हो गया ऊपर जाते समय ऊपर वाले बटन से बंद कर दिया बात एकदम सिंपल लॉजिक है तो ऐसे ही और भी तमाम तरह के लॉजिक्स यहां पर होते हैं और उन उन सर्किट्स को हम लोगों ने नाम दिया है लॉजिक गेट्स अब बेसिकली जो लॉजिक गेट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका तीन तरह का होता है पहला होता है बेसिक गेट्स क्या होता है बेसिक गेट्स दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट्स यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है एक्सक्लूसिव गेट्स ठीक है कौन सा क्लासिफिकेशन है एक्सक्लूसिव गेट्स अब इनके अंदर में ये जो बेसिक गेट्स हैं वो है आपके तीन तरह के तीन गेट हैं बेसिक गेट के अंदर में एक होता है नॉट गेट दूसरा आता है एंड गेट स्पेलिंग कैपिटल लेटर में ही लिखनी है ज्यादा नहीं तो पता लगा किसी ने उसमें लिख दी और तीसरा होता है और गेट ठीक है ये इनके नाम हो गए चलो यूनिवर्सल गेट के अंदर में दो होते हैं एक होता है नैंड बोलना है नंद मंद बोल देना नंद गेट नैंड गेट है ये और तीसरा सॉरी दूसरा है यहां पर नॉर गेट देखो जैसे मुझे याद है बिल्कुल वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए और यहां पर एक्सक्लूसिव के अंदर में भी दो कैटेगरी होती है एक तो होता है एक्सोर एक्सोर गेट इसे लिखने का दूसरा तरीका ऐसा भी लिखा जाता ई एक्स और गेट नहीं तो पता लगा मैंने नाम यहां पर नहीं लिखवा के दिया तो कई लोग कंफ्यूज हो गए और एक होता है एक्सनॉर गेट जिसे हम लोग बोल सकते हैं या फिर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको ई एक्स नॉर गेट यहां पर जो एक्स है या ई एक्स का मतलब ही है एक्सक्लूसिव इसका मतलब ही क्या है एक्सक्लूसिव गेट यहां तक बेसिक एकदम समझ में आया क्या कोई डिफिकल्टी लगी इनमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी है ही नहीं या, एकदम आसान है ये, so, ये तो है आपका बेसिक गेट वगैरह होता है इट इज समथिंग लाइक यदि आप एक सर्किट बना रहे हो तो सर्किट के अंदर में हर एक एलिमेंट का क्या रोल है जैसे या फिर ऐसे सोचो कि आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी है में जो कोई कोई जो आपके पार्ट्स हैं जैसे उनका क्या रोल है उनका क्या ये है मतलब जैसे हार्ट है तो उसकी फंक्शनिंग क्या है तो आपको हार्ट के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा कहां कनेक्ट हो रहा है कहां से उसमें इनपुट आ रहा है कहां से आउटपुट जा रहा है आर्टरी कहां पर है वेन्स कहां पर है किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसमें डी ब्लड है बराबर है तो वो आपको पता होगा तभी तो आप कुछ सोच पाओगे यस और नो बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां पर भी है कि हर गेट के लिए उसका क्या कार्य है वो कैसे काम करता है उसकी फंक्शनिंग क्या है वो आपको याद होनी चाहिए बेसिक सवाल इस पे जो बनता है एक तो बनता है सीधा सीधा मैं आगे चलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा टेबल या फंडामेंटल जो भी फंडामेंटल एकदम बेसिक सवाल होता है तो हम लोगों ने स्टार्ट करना है एकदम पहले बेसिक गेट से जिसका नाम है नॉट गेट इसका नाम क्या है नॉट गेट अब मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं हर एक गेट के लिए हर गेट के लिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है क्या क्या याद रखना है हर एक गेट के लिए पहले तो उसका सिंबॉल याद होना चाहिए दूसरा उसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए और तीसरा उसकी ट्रूथ टेबल याद होनी चाहिए ये तीन चीजें आपको हर गेट के लिए याद होनी चाहिए मतलब यहां पर थोड़ा सा याद रखने वाला कंटेंट है लेकिन मैं आपको बता दूं डरने की जरूरत नहीं एकदम आसानी से याद हो जाता है बस एक दो बार आपको नजर मारनी है आराम से याद हो जाएगा ठीक है चलो सो नोट गेट पे हम नॉट गेट पे हम लोग बात करते हैं अब देखो नॉट गेट की खासियत है इट इज सिंगल इनपुट ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं इट इज सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला है मैंने बोला है कि ये एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे होंगे जो इसका सिंबल बनाएंगे उसके अंदर एक ही इनपुट होना चाहिए और एक ही आउटपुट होना चाहिए अब एक ही इनपुट होना चाहिए मतलब एक ही वायर का काम आएगा ठीक है में आ रही है ओके okay, चलो तो हम लोग देखते हैं ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया ये इसकी कंडीशन है यही नॉट गेट वही है जिसका एक सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है जिसे हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं देखो कैसे ऐसा ट्राइंगल बना दिया डायोड वाला जो बनाया था उसके सामने ऐसे गोला लगा दिया ये आपका नॉट गेट का सिम्बॉल है ये क्या है नॉट गेट का आपका सिम्बॉल है जहां पर ये लेफ्ट साइड में इनपुट होता है और ये वाली जो साइड है वो आपकी आउटपुट साइड होती है ध्यान सुनो मैंने क्या बोला ये आपकी इनपुट साइड है ये आपकी आउटपुट साइड है मतलब यहां से आप इनपुट दोगे यहां से आपको आउटपुट मिलेगा बराबर है इधर से डाला उधर से बाहर क्लियर है ओके चलो इनपुट हो गया आउटपुट हो गया अब इसके बाद में देखो मैंने क्या बोला है कि भैया आपको सिंबल इक्वेशन और ट्रुट टेबल ये तीन चीजों पर फोकस करना है तो सिंबल तो आपके सामने आ गया अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करता हूं तो नॉट गेट क्या करता है नॉट गेट इज एन इनवर्टर क्या है ये एक इन्वर्टर है अब ये इन्वर्टर वो वाला इन्वर्टर नहीं जो आपके घरों में होता है नहीं वो नहीं इन्वर्टर का मतलब होता है ये इन्वर्ट कर देता है क्या कर देता है इन्वर्ट कर देता है मतलब क्या कर देता है मान के चलो आपका जो इनपुट है अब देखो इनपुट क्या होगा तो भैया देखो मैंने आपको पहले बता दिया यहां पर इनपुट या तो इनमें से आएगा या इनमें से आएगा बात समझ में आ रहा है इनपुट या तो इनमें से आएगा या इनमें से कुछ तो भी लिखा हुआ मिलेगा मतलब मैं क्या बोलता हूं सिंपल भाषा में कि मान के चलो आपने एज अ इनपुट जीरो दिया है तो टेंड आउटपुट में क्या मिल जाएगा वन मिल जाएगा या फिर आपने इनपुट में वन दिया है तो टेंपलाइज आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा जीरो तो इसने क्या कर दिया जीरो को वन में कन्वर्ट कर दिया या वन आया तो वन को जीरो में कन्वर्ट कर दिया अब कई लोगों मेहनत इतना, इतना yes, तो तो क्यू, लोग करते थे बराबर है सो so, क्या होता है ना कई बार कुछ सर्किट्स होते हैं जहां पर उल्टे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है अरे बाप रे ऐसा भी होता यस ऐसा होता है हम चाहते हैं कि वहां पे कुछ सिग्नल आया हो तो उसका रिवर्ट हो जाए तो वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये करता गया है जीरो को one में one को जीरो में कन्वर्ट करता है तो भैया ये मैंने इसके बारे में बताया तो यहां से हमारे पास में एक टेबल निकल के आती है ये ट्रुट टेबल क्या होती है भैया सत्य सारणी से बोला जाता है टेबल टेबल क्या होती है? टेबल वो होती है है वो जो ट्रुट टेबल इज अ टेबल विच कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स एंड सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट इनपुट और आउटपुट का जहां कॉम्बिनेशन इकट्ठा करके लिखा जाता है उसे बोला जाता है ट्रुट टेबल तो इस ट्रुट टेबल के अंदर में हम लोग लिखते हैं इनपुट और एक लिखते हैं आउटपुट तो इनपुट और आउटपुट का कॉलम पर होता है अब हम लोग छोटी सी बात और मैं यहां पर आपको बताने, बताना चाहता हूं वो ये है कि जनरली आप क्या पाएंगे जनरली आप क्या पाएंगे कि हम लोग क्या करते हैं इनपुट को डिनोट करते हैं ए बी सी डी से और आउटपुट को जनरली डिनोट करते हैं वाई से तो हो सकता है यहां पर ए लिखा हो यहां पर वाई लिखा हो ऐसा भी हो सकता है चलो अब हमने क्या किया यहां पर इनपुट डाला जरा सा थोड़ा सा इनपुट डालो तो या तो इनपुट जीरो हो सकता है या आउट इनपुट वन हो सकता है ये देखो मैंने क्या बोला इट इज सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट देखो पहला गेट है आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है बट यहां पर मैंने मेन बात क्या बताई कि भैया आपको ये चीजें याद होनी चाहिए तो मैंने क्या बोला कि भैया ये क्या बोल रहा है कि टेबल टेबल इज द कंसिस्ट ऑफ ऑफ योर कॉम्बिनेशन इनपुट एंड आउटपुट मतलब जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन उनका उनके बारे में इसमें डिटेल में लिखा हुआ रहता है तो भैया देखो इसने बोला ये वाला आपका इनपुट का कॉलम है जिसमें जीरो और वन भर दिया तो आउटपुट में बोलो क्या होगा

ए बार मतलब ये जो बार है इसे हम लोग बोलते हैं बार तो ए के ऊपर बार लगा दिया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई अब कभी भी इसका मतलब ये कि कभी भी यदि ऐसा लिखा है कि किसी सिंबल के ऊपर में बार लगा दिया है तो इसका मतलब है वो उसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा मतलब कैसे समझते हैं जीरो के ऊपर मैंने बार लिख दिया तो इसका मतलब क्या आएगा वन आएगा और यदि मान के चलो तो मैंने 1 के ऊपर में बार लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या आएगा 0 आएगा क्या ये वाली बात समझ में आई इट इज अ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट सिंबल मैंने बनाया नॉट गेट एक्स एस एन इनवर्टर नॉट गेट जो होता है वो एक इन्वर्टर होता है जो 0 को 1 में 1 को 0 में कन्वर्ट करने का काम करता है इसकी टेबल हो गई इक्वेशन हो गई ये सारा इसका फंडा है नॉट गेट इतना सा होता है सवालों में आगे जब हम लोग देखेंगे इसका उपयोग करना सीखेंगे तब आपको और चीजें पता लगेंगी पहले बेसिक आपका याद हो जाना चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नॉट के बाद में मैंने दूसरे नंबर पर कौन सा गेट लिखा था दूसरे नंबर पर मैंने लिखा था एंड गेट क्या लिखा था एंड गेट अब एंड गेट की कहानी क्या है वो सुनते हैं एंड गेट की कहानी ये है कि इसके अंदर में मिनिमम मिनिमम दो इनपुट्स होंगे मिनिमम दो इनपुट होंगे दो इनपुट कम से कम होंगे ही होंगे तभी ये काम करेगा एंड इट हैज ओनली वन आउटपुट आउटपुट कितने होंगे बेटा यहां पर एक ही आउटपुट होगा इनपुट कितने हैं दो इनपुट है आउटपुट कितने हैं एक ही आउटपुट है ओके okay. तो भैया इसका सिंबल बनाते हैं हम लोग सबसे पहले तो देखो एंड गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है किस प्रकार से होता है तो हम लोगों को बनाना है एक डी बनाना है क्या बनाना है डी बना दिया लेफ्ट साइड से इनपुट मतलब ये दो इनपुट लगा दिए और भैया ये आपका एक आउटपुट बना दिए ये है आपका एंड गेट कैसा एंड गेट है टू इनपुट एंड गेट है ये क्या है टू इनपुट एंड गेट है ज्यादा बनाने हैं तो मैं क्या कर दूंगा मान के चलो मुझे पसंद नहीं आया दो इनपुट वाला मुझे तीन इनपुट चाहिए तो मैं तीन इनपुट लगा दूंगा लो भाई तीन इनपुट लगा दिए लेकिन आउटपुट हमेशा क्या रहेगा एक ही रहेगा अच्छा इन इनपुट को हम लोग नाम किस तरह से देंगे ए बी और ये हो गया वाई इस पे नामकरण करना है तो इस पे कर दो कैसे करोगे ए बी और सी ये रहेगा वाई अब इसके आगे जो मेरे दिमाग में सवाल उठता है वो सवाल ये उठता है व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ एंड गेट एंड गेट करता क्या है कैसे काम करता है हाउ डज इट वर्क तो भैया एंड गेट कहता है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो देन आउटपुट विल ऑल्सो भी लो आउटपुट विल ऑल्सो बी लो या फिर हम लोग इसे एक अलग टर्मिनोलॉजी में मतलब अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार से उसको डिफाइन करने का तरीका यह है कि भैया इफ ऑल दी इनपुट्स क्या बोला है जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे के सारे ऑल दी इनपुट्स आर हाई सारे के सारे इनपुट आपके पास में क्या आ जाए हाई आ जाए तो आपका आउटपुट हाई आएगा आउटपुट विल बी कंडीशन समझ में आई ये है कंडीशन ओके okay. ये है कंडीशन इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई देन योर आउटपुट विल बी हाई मतलब क्या है मतलब कैसे पकड़ेंगे हम लोग तो भैया मतलब को पकड़ने के लिए हम लोगों को पहले बनानी पड़ेगी यहां पर ट्रुट टेबल तो इस ट्रुट टेबल में जाकर के हम लोग इसे पकड़ेंगे चलो ट्रुट टेबल बनाते हैं तो भैया अब देखो ट्रुट टेबल में कितने कॉलम आएंगे कैसे पता लगेगा मैंने बोला देखो मिनिमम दो इनपुट चाहिए तो ए और बी तो हो गया और एक आउटपुट चाहिए मैंने बोला सही बात है अब एक बात बताओ दो इनपुट से आपके दिमाग में कितनी कंडीशन बनाई जा सकती हैं तो उन सारी क्योंकि देखो ट्रुथ टेबल क्या है ट्रुथ टेबल इज अ टेबल विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट तो एक बात बताओ यहां पर आप भरोगे क्या 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 कंडीशन डाल सकते हो तो मैंने बोला कि भैया देखो या तो ये दोनों की दोनों जीरो हो जाए इसमें से ये वाला जीरो हो जाए ये वाला वन हो जाए ये वाला वन हो जाए ये वाला जीरो इन चार के अलावा और आप कुछ सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते बताओ इस, इन चारों के अलावा आपके दिमाग में और कोई कंडीशन बन रही है नहीं बन रही है बराबर है बन ही नहीं सकती क्योंकि यही मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन है तो अब इसके करस्पॉन्डेंस आपको चाहिए आउटपुट तो देखो क्या कहता है गेट इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो मतलब कोई भी इनपुट आपको लो दिखाई दिया लो का मतलब क्या है जीरो लो का मतलब क्या है जीरो मतलब कोई भी जीरो दिखा तो आपको यहां पर आंख बंद करके क्या रख देना है जीरो देखो जीरो देखा जीरो जीरो देखा जीरो अब यहां पे जाके अटक गए तो यहां पे जब आप अटके हो तो इसकी कहानी देखो इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई मतलब जब सारे की सारे वन हो तो आपका आंसर क्या आएगा वन ही आएगा क्या यह बात समझ में आ रही है बोलो आसान है यस और नो सोचो क्या यह आसान है बिल्कुल आसान है भैया देखो जीरो जीरो पे जीरो जीरो वन पे जीरो वन जीरो पे जीरो वन वन पे वन अच्छा ओ हो 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 ऐसा है बिल्कुल ऐसा है अच्छा अब देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं किसकी बात रह गई अभी इक्वेशन की बात और रह गई अब देखो यार इक्वेशन यहां यहां पर जो आती है वो आती है वाई इज इक्वल क्या इक्वेशन आती है ए इंटू तो जरा करके देखते हैं जीरो इंटू करो जीरो जीरो इंटू करो जीरो वन इंटू जीरो करो जीरो वन इंटू वन करो वन लग तो रहा है कुछ लॉजिक लॉजिक मैं बोला बिल्कुल सही बात है अरे है या नहीं है मैंने बोला यस इट इज ट्रू सो ये है आपका एंड गेट बताओ आराम से कर सकते हो सर जी ये तो आपने दो के लिए बताई लेकिन तीन का क्या करेंगे चलो साथ साथ में करते हैं साथ साथ में करते हैं तीन के लिए तो तीन के लिए तीन इनपुट डाल दो ए बी और सी सही बात है हालांकि तीन का पूछेंगे नहीं आपको लेकिन क्या है ना थोड़ा समझ में आए उसके लिए मैं बनवा रहा हूं और कुछ नहीं है और आउटपुट डाल दिया वन वाई सॉरी चलो अब क्या करेंगे अब यहां पर सवाल यह है कि सर जी कंडीशन कैसे डालेंगे कितनी कंडीशन बनेंगी तो इसका एक होता है फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ कंडीशंस बराबर टू टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट्स टू टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट मतलब कैसे देखो चालू करो यहां पर यदि आपने नंबर ऑफ इनपुट दो लिए तो टू की पावर टू मतलब कितना आ गया चार पहले केस में चार थी यदि टू की पावर आपने वन लिया तो कितना आया दो याद करो नॉट गेट टू की पावर थ्री ले लूं तो मेरे पास आएंगी आठ कंडीशन मतलब आठ कंडीशन बननी चाहिए यदि ले तो कितनी कंडीशन बनेगी सोलह पांच ले लूंगा तो कितनी बनेंगी? चार चार आठ आठ दुना सोलह सोलह बत्तीस चौसठ एक सौ अठाई दो छप्पन पांच सौ बारह एक हजार चौबीस है ना वही है ये ओके okay. तो भैया इसका मतलब ये है कि मेरे को यहां पर चाहिए आठ लाइन तो मैंने आठ लाइन ड्रॉ कर देता हूं पहले दो तीन चार पांच हो गई आठ लाइन मैं ठीक है अब इसके अंदर मैं भरनी है कंडीशन अभी देखो कंडीशन पहले तो आंख बंद करके मैं जो भर रहा हूं उनको भर लो पहले तो तभी मैं बोलू ऐसा कैसे हो गया हो गया अब देखो यहां पर क्या ओए होए एक वाला गलत हो गया डबल रिपीट हो गया हाँ भाई अब देखो एक्चुअली होता क्या है आपको करना क्या है मालूम क्या कभी भी यदि करना है तो ये देखो यहां पर देखो पहले है जीरो वन जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो वन दिख रहा है हुँ. अगला देखो क्या है अगला देखो यहां पर अगला देखो क्या हो रहा है अगले में देखो जीरो जीरो दो बार वन उसके अगले में देखो चार बार जीरो चार बार वन समझ में आ रहा है देखो पहले क्या था एक बार जीरो एक बार वन एक बार जीरो अगली बार डबल जीरो डबल वन डबल जीरो डबल वन अगली बार थ्री नहीं फोर टाइम जीरो फोर टाइम्स वन उसके आगे एट टाइम्स जीरो एट टाइम्स वन एंड सो ऑन मैं उम्मीद करता हूं यह वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा चलो इनको मिटा देता हूं नहीं तो कई लोग इसी इसी उधेड़ बने रहेंगे कि ये क्या कर दिया यहां पर क्या डाल दिया अब देखो अब कंडीशन लगाओ क्या बोला था एंड गेट एंड गेट कहता है जीरो दिखते ही जीरो कर दो तो जीरो 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 मतलब जीरो 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 जीरो, जीरो 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 और लास्ट में वन तो इस बार इक्वेशन क्या लिखी जाएगी इक्वेशन बन जाएगी y बराबर a into b into c इक्वेशन क्या बन जाएगी y equals to a into b into c क्लियर है अच्छा अब मैं आपको एक थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूं हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन थोड़ा सा सुन लेंगे तो अच्छा है वो ये है मेरे को 0 0 0 लिखा है इसका मतलब होता है 0 0 1 लिखा है इसका मतलब होता है 1 0 1 0 का मतलब होता है 2 ये मतलब समझ में आ रहा है देखो इसको जरा ध्यान से देख लो बस एक बार नज़र मार लो बस और कुछ नहीं है यही है नंबरिंग है बस और कुछ भी नहीं है अच्छा अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को हटाना चाहता हूँ देखो ये हटा दिया मैंने जान बुझ के हटाया एक बार बताओ आप गिनती लिखते हो कि नहीं लिखते हो गिनती काउंटिंग लिखते हो काउंटिंग, काउंटिंग एक से सौ तक गिनती लिखने को बोला जाए तो आप कैसे लिखोगे देखो सबसे पहले चालू करोगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन उसके बाद क्या आता है दस दस का मतलब क्या हुआ सोचो देखो जब ये दस है उससे पहले यहां पर सब जगह जीरो है क्या सोचो यहां पर क्या सब जगह जीरो ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यदि मेरे को टू डिजिट में लिखना है तो सबको जीरो 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 करूँ कि नहीं करू यस और दो सही बात है दस के बाद आएगा ग्यारह बारह मतलब देखो ये जो रिपीट है ये यहां से लेकर के यहां तक के जो नंबर है वापस से रिपीट होंगे यस yes और नो no. बिल्कुल सही बात है इसका मतलब मैं सीधा सीधा लिख देता हूं डॉट डॉट करके अठारह उन्नीस बराबर है उन्नीस के बाद क्या आएगा नाइनटीन के बाद आता है ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड सो ऑन ट्वेंटी नाइन तक जाओगे यस और नो तो अब आप एक बात को जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है ना ये जीरो से लेकर के नाइन तक का सेट जीरो से लेकर के नाइन तक का सेट रिपीट हो रहा है कहानी कहां से जा रही हो रही वही हो रही है जीरो से नाइन क्योंकि आप जो सिस्टम पढ़ते हो जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है डेसीमल मतलब सिंह कौन, कौन सी जीरोमल नंबर सिस्टम लेकिन जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर इतना सब नहीं समझता है कंप्यूटर को दो ही चीजें समझ में आती है हा या ना जीरो या वन ट्रू या फॉल्स वो सिर्फ जीरो और वन समझता है तो इसके लिए हम लोगों ने एक लैंग्वेज डेवलप करी है जैसे कि ए जीरो वन की लैंग्वेज बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं तो ये हमारा लैंग्वेज सिस्टम होता है अब जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है ध्यान से देखिए क्या हो रहा है अच्छा यदि मान के चलो मेरे को मैं आगे बढ़ते बढ़ते नाइन्टी की लाइन में आ गया नाइन्टी वन नाइन्टी टू नाइनटी थ्री और अप टू अपू नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन आ गया ठीक है इसके आगे क्या होता है सौ होता है ना सौ मतलब यहां पे सौ हो गया बराबर है कि नहीं अच्छा सौ के बाद में क्या आएगा एक सौ एक एक सौ दो आएंगे यस और नो इसका मतलब ये नहीं लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इसके आगे खाली है तो मैं क्या जीरो जीरो भर दू यहां पर क्यों अब मैं तीन डिजिट्स में लिख रहा हूं यस और नो कि यही कहानी आगे तक बढ़ती जाएगी यस और नो अब देखो क्या हो रहा था पहले ये सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी यहां पर भी देखिए इससे पहले नाइनटी रहा होगा

वो बात ये है कि वन प्लस टू कितना होता है वन प्लस टू होता है थ्री बराबर है कि नहीं अरे वन प्लस टू कितना होता है, one plus two, three होता है ना यस yes. अच्छा वन प्लस वन कितना होता है टू होता है वन प्लस वन कितना होता है टू होता है वन प्लस वन कितना होता है टू होता, है. One one होता, है? Two होता है. अरे सर आप पगला गए हो क्या चक्कर है वन प्लस वन टू तो मैंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही सीख लिया था अब देखो अब आपका दिमाग थोड़ी देर बाद चकराने वाला है इसके लिए मैं कुछ चीजें पहले ही बता रहा हूं देखो ये सारी चीजें जो बताई गई है उनका रीजन है कुछ तो भी क्या देखो वन को वन में एड करोगे मतलब जीरो जीरो वन को वापस से जीरो जीरो वन से एड किया तो क्या मिल रहा है वन प्लस वन टू नहीं लिखना है ये अपनी मैथ्स हो गई ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जीरो वन जीरो बासर में आ रही है इसकी जरूरत पड़ने वाली है अभी थोड़ी देर बाद तो देखेंगे हम लोग कैसे क्या होता है क्या चीजें हैं वो दिखाता हूं मैं आगे चलो आ जाओ ओहो, ओहो, अब तो सर इच्छा ऐसी हो रही है कि सर के बाल पकड़ के खींच लें कुछ हवा नहीं लग रही है बहुत ऊपर ऊपर से जा रहा है काफी एडवांस टॉपिक लग रहा है बेटा टॉपिक एडवांस है लेकिन बहुत आसान है देखो आपके काम की जो चीजें हैं ना जो समझा रहा हूं वो बहुत अलग चीजें हैं वो काफी आगे तक जा रहा हूं आपको बस ये टेबल ये डेफिनेशन ये इक्वेशन वो सिंबॉल सिंबॉल डेफिनेशन एक ट्रुटेबल इक्वेशन खत्म उतना ही आपको याद रखना है अब ये जो चीजें सिखाई है बस ये लॉजिक डेवलप करने के लिए आपको सिखाया गया कि भैया ऐसे कुछ तो भी लॉजिक डेवलप होता है अब उसकी यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी और देखो अब कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी जैसे आपको लगने लग सकती हैं लेकिन डरना नहीं है ये है आपका और गेट ये सबसे आसान टॉपिक होता है बेटा सब लोग इसको आसान कंसीडर करते हैं कब जब एक बार पूरा सीख जाते हैं और एक दो बार सवालों को लगा लेते हैं उसके बाद बहुत आसान लगता है लेकिन एक बार सवाल लगाने से पहले जब सीख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं, दुनिया की याद और गेट की कहानी कुछ इस प्रकार से चलेगी भैया पर भी आपके मिनिमम दो इनपुट होंगे और सिंगल आउटपुट होगा ओनली वन आउटपुट होगा बराबर है ये काम किया इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए होता है इसका चाहिए होता है सिंबॉल तो देखो इसका सिंबॉल कैसे बनता है ऐसे बनाया जाता है ठीक है तो पहले डी बनाया था इस बार इसको ऐसे कर्व कर दिया और ये दो इनपुट लगा दिए इन दो इनपुट को मैं चाहूं जो नाम दे सकता हूं जनरली ए बी और वाई दे दिया दो से ज्यादा इनपुट पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है भैया क्यों पॉसिबल नहीं है एक दो और ये तीन लगा दिए इस बार तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भैया ऐसा ही चाहिए जैसा आपके मन में आए वैसे बना दिया इसके बाद क्या आता है बोलो। मैंने ये बेसिक करने के बाद में हम पता तो हो कि इसकी फंक्शनिंग क्या है हम लोगों को क्या पता करना है वॉट इज द फंक्शनिंग ऑफ दिस ऑर्गेट तो भैया फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेट कहती है ये कहता है कि इफ एनी इनपुट इज हाई इफ एनी इनपुट इज हाई दे आउटपुट इज ऑल्सो हाई यदि कोई भी इनपुट आपको हाई दिखेगा तो आपको क्या करना है आउटपुट को भी हाई लिखना है या फिर इसको अदर वर्ड्स में मैं कह सकता हूं कुछ इस प्रकार से कि भैया इफ ऑल दी इनपुट्स इफ ऑल द इनपुट्स आर लो सारे की सारे इनपुट लो हो देन ओनली योर आउटपुट विल बी लो ये बात समझ में आ रही है बोलो कितना आसान है इसको हम लोगों को अभी यूटिलाइज करना है कहां पर ट्रूथ टेबल के अंदर में क्योंकि जब तक आप ट्रूथ टेबल के अंदर में इसे अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी टेबल में कितने कॉलम्स कितने बनेंगे क्या ये बात अब आपको याद होने लग गई है बोलो जीरो, जीरो अगला क्या आता है जीरो, अगला क्या आता है वन जीरो लास्ट में क्या आता है वन वन तो भैया मैंने ये कंप्लीट कर दिया अब आपको यहां पर भरना है जो खाली जगह दिख रही है उसको भरो फटाफट क्या कहता है ऑरगेट गेट कहता है कि एक भी हाई दिखा तो वन भर दीजिए तो मैं नीचे से भरना चालू किया वन दिखा वन लिख दिया वन जीरो अटक वन गया वन वन दिखा, वन दिखा, वन यहां, यहां पे जाके क्या है यहां से देखो ऑल इनपुट्स आर लो तो आउटपुट लो मतलब बोलो हो गया यस और नो मैंने बोला सही बात है अब यहां पर इसकी जो इक्वेशन निकल के आती है यहां से आपका थोड़ा सा दिमाग चकराने लग सकता है इसकी जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करी गई है बेटा वो रिप्रेजेंट करी गई है वाईज इक्वल टू ए प्लस का का अब देखो क्या हो रहा है परेशानी देखो क्या हो रहा है जीरो प्लस का जीरो जीरो, जीरो प्लस का वन वन. वन, प्लस का जीरो, वन. और वन प्लस का वन तो सर जी टू होता है लेकिन ये तो वन दिखा रहा है तो भैया यही यहां पर परेशानी है क्योंकि यहां पर जो है वो इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन क्या इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको चलना है ऐसे नहीं कि मन में जहां आए वहां हम लोग चल दिए क्लियर है यस और नो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है तो भैया ट्रूथ टेबल मैं आपको यहां पर आके थोड़ा सा डाउट लग सकता है लेकिन ध्यान रखें इक्वेशन आपकी आएगी वाई जीवल्स टू ए प्लस का b इक्वेशन क्या आएगी वाई जीक्वल्स टू ए प्लस का b तो इसका मतलब यह है कि भैया कभी भी आपको ऐसे दिखा है प्लस गेट इसका मतलब है A और b इसका मतलब क्या है ए और बी मतलब ए और गेट बी के साथ में A और B कहां पर कनेक्टेड के अंदर कनेक्टेड है।, है अच्छा ये तो मैंने दो के लिए करवाया क्या तीन के लिए भी कर सकता हूं अरे बिल्कुल कर सकता हूं क्या दिक्कत है भैया बात पकड़ में आ रही है ना आर यू श्योर ओके सो यहां पर कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा क्या है कि भैया वन प्लस वन का टू नहीं लेना है वन प्लस वन टू कहां होता है अपनी डेसिमल वाली मैथ्स में होता है यहां पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर गेट का ऑपरेशन है जिसकी डेफिनेशन है कि एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई तो भैया वो तो सिर्फ इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है अपनी मैथ्स यहां पर मत घुसा देना जबरदस्ती की नहीं तो पता लगा सर मैं तो जानता हूं वन प्लस वन टू होता है तो टू लिखो यहां पे अरे भैया टू कहां से लिख दे बाइनरी के अंदर में टू नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है बात समझ में आ रही है अच्छा एक बात बताओ जैसे मैंने बोला कि जीरो टू, थ्री, फोर, सेवन, एट, और टेन। अरे टेन ऐसे ही क्यों लिखा टेन सिंपल सवाल है मेरा तुम बताओ मतलब टेन ऐसे क्यों लिख रहे हो क्या जबरदस्ती है कुछ दूसरा बना लेते थे, थे अलग से दस के लिए ग्यारह के लिए बनाते थे बारह के लिए बना देते बीस के लिए बनाते बना देते थे हमारे पास छब्बीस एल्फावेट है ना तो नौ के बाद छब्बीस अल्फाबेट और जोड़ दो तो छब्बीस और नौ कितना हो गया 37 तक का तो काम हो ही गया, और कैपिटल कर गया तो भैया का तो तो ये ये वो हो गया नंबर सिस्टम बन गया है अब ये चेंज नहीं होगा ये दस कहां से क्यों आ रहा है दस बस आ रही है क्योंकि आप ये लिख पा रहे हो चीजों को क्योंकि ये हम बेसिक बचपन से पढ़ते आए इसलिए हमें इसमें कभी शंका नहीं होती है पांच को ऐसे ही बनाया गया है क्यों ऐसे नहीं बनाया गया है ऐसे क्यों नहीं बना दिया पांच लो एक और नया सिंबल तैयार हो गया इसको यूज कर लेते थे क्या दिक्कत थी एक ऐसा सिंबल डाल देते थे ये एक नया सिंबल बन जाता था ये एक नया सिंबल बन जाता था बनता था नहीं बनता था एक नया सिंबल ये बन जाता था एक नया सिंबल ये बन जाता था लो बहुत सारे सिंबल बनते थे हो जाती थी गिनती हमारी लेकिन नहीं किया गया ना

One, one, कोई भी वन वन तो हो रहा है लेकिन दोनों वन वन पे भी वो कर रहा है मतलब दोनों बटन चालू रह गए तब भी बल्ब चालू रह जाएगा दोनों बंद होंगे तो ही बल्ब बंद हो रहा है तो ये लॉजिक वहां पर काम नहीं कर रहा है तो वहां पे कोई और नया लॉजिक लगेगा लेकिन इससे पहले सोचो क्या इससे काम चल जाएगा इससे भी काम नहीं चलेगा क्योंकि ये बोल रहा है भैया दोनों बटन को ऑन करोगे तो ही मैं ऑन होऊंगा नहीं तो नहीं होऊंगा ये भी फैल रहा है तो कुछ और लॉजिक सोचेंगे उसके लिए उसमें अभी टाइम है लेकिन एक बात बताओ और के लिए हम लोग क्या करते हैं तीसरी टेबल और ड्रॉ कर लेते हैं बेसिक बेसिक एकदम आराम से चला रहा हूं मैं आ, थ्री इनपुट गेट तो थ्री इनपुट गेट के लिए बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा ए बी और सी तीन इनपुट लगा दिए बोलो आउटपुट कंडीशन कितनी बनेगी बोलो कंडीशन अभी बताई थी कितनी कंडीशन बनेगी आठ बोलो कौन कौन सी जीरो 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 वन जीरो, जीरो जीरो वन वन आप ऐसा लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है मैं लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे चाहे मैं लिख सकता हूं लेकिन आप नहीं लिख पाओगे तो आप ऊपर से नीचे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है कौन देखने वाला है बताओ कौन देखने वाला है कि आप ऊपर से नीचे लिख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो बोलो हालांकि चलो फटाफट बोलो क्या लॉजिक लगाओगे वन दिखते ही वन लिखना है तो वन 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 और खत्म कितना आसान है अरे आसान है ना यस और नो अब इन पे जो सवाल बनाए जाते हैं ना कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि सवाल मैंने पूछता हूं देखो एक सिंपल सा सवाल है इसको हटाता हूं आगे लेता हूं देयर इज अस एक काम करते हैं ऐसे नहीं देर इज अजिक गेट यहां पर उसने बोल दिया ये है तीन इनपुट और यहां पर बोला है कि भैया ए बराबर जीरो बी बराबर वन और सी बराबर है वन और यहां पर वाई बराबर वन दिया है आईडेंटिफाई द गेट ये सवाल होता है ऐसा ओ ऐसा सवाल होता है बस बेटा ऐसे ही सवाल होता है बताओ आंसर क्या आएगा कौन सा गेट हो सकता है ये आप देखिए एक भी वन दिखा और वन दे रहा है मतलब ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए और गेट होना चाहिए अभी जो हम लोग सीखे हैं उसी के बेसिस पर बात कर रहे हैं आगे चल के हो सकता है कि कुछ और भी हो जाए लेकिन अभी के लिए तो आपको ने तीन ही गेट सीखे हैं नॉट सीखा है एंड सीखा है और और सीखा है तीन बेसिक गेट्स आज आपने सीखे हैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं सीखा है क्या ये बात से आप लोग सहमत हैं तीन बेसिक गेट आप लोग इजीली कर पाओगे यस और नो फटाफट बोल दो चलो आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग हमारे पास समय सीमा वैसे तो समाप्त होने वाली है लेकिन 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 एक्चुअली क्या ना टाइम हो गया है काफी आज करूंगा तो फिर बाद में वो हो जाएगा कि थोड़ा सा खींचूंगा स्पीड में और फिर कुछ बाउंसर लगेगा इससे अच्छा एक काम करते हैं छोड़ो तीन गेट सीख लिए ना अब ये तीन गेट रटने हैं बैठ के तीन बार चार बार लिख के देखो आपको याद हो जाएंगे तीन बार चार बार लिख के देखो आपको याद हो जाएंगे अब ऐसा हो सकता है मुझे भी कंफर्म uh, uh, याद नहीं मैंने दिया है मुझे भी याद नहीं है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है इतना काम तो मैं पर आपको तो पर सारे बनवाऊंगा टेंशन नॉट नो नीड टू वरी अबाउट इट ओके चलो सो आज के अपने सेशन को हम लोग यहां पर समाप्त कर लेते हैं मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान सो तब तक के लिए